हेलो गाइस, आज मैं आईएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज का एपिसोड 10 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर। चलिए ज्यादा बात ना करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक होटल दिखाया जाता है और उस होटल में हॉट स्प्रिंग भी होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी बैठ के खाना खा रहे होते हैं और फिर सीन हमारे एमसी की तरफ जाता है, जहाँ हमारे एमसी खाना खाता है और ये बोलता है कि बहुत ही डिलीशियस है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट भी किया था, रियल वसाबी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी की बिल्कुल साइड में बाजू में चार्ज भी बैठी हुई रहती है और चार्ज बोलते हैं रियल वसाबी, और चार्ज भी एक खाना पिक कर लेती है, लेकिन वो अलग होता है। हमारा एमसी ये देखकर शौक हो जाता है और चार्स खा लेती है। तभी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है वो स्पाइसी था, तो चार्स अपना नाक पकड़ के बैठ जाती है और हमारे एमसी बोलते हैं, चार क्या तुम ठीक हो? चार्स बोलती है कि हाँ, मुझे लगता है ये बहुत ही रिच फ्लेवर का था। फिर हमारे एमसी चार्स को पानी देती है और बोलती है कि तुम कितने हॉरर स्टूडेंट हो यार। उसके बाद सीन जाती है सेलिका की तरफ, जो कि हमारे एमसी के दूसरे साइड में बैठी हुई रहती है। अब सेलिका को ना उस तरीके से बैठने से तकलीफ हो रही होती है और हमारा एमसी ये देख लेता है। ये देख कर हमारा एमसी बोलता है, सेलिका क्या तुम ठीक हो? तुम सीजा स्टाइल में बैठ सकते हो, तो क्या हम लोग टेबल में मूव कर ले? फिर सीन जाता है टेबल की तरफ, जहाँ पर टेबल में भी हमें दिखाया जाता है बहुत लोग टेबल में बैठ कर खाना खा रहे होते हैं और उनमें से ही लौड़ा भी रहती है। तब सेलिका बोलते हैं, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर सेलिका सोच रही होती है मन में कि मैंने कितना मेहनत किया इस सीट को पाने के लिए और मैं इतना दर्द तो सह ही सकता हूँ। हमारा एमसी बोलते हैं, सीट? तब सेलिका बोलते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर चार्ल्स बोलती है कि लड़कियां लड़के से अलग होते हैं। तब हमारा एमसी बोलते, अच्छा ऐसा क्या? तब चार्ल्स बोलते, हाँ ऐसा ही है। फिर हमारा एमसी दूर में देखता है कि होकी भी बैठी हुई रहती है और होकी भी हमारे एमसी की तरफ ही देख रही होती है। फिर हमारा एमसी होकी की तरफ देख कर सोचता है कि होकी इतना एनॉयड क्यों देख रही है। और दूसरी तरफ सेलिका की पैन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। सेलिका को ऐसी हालत में देख के हमारा एमसी बोलता है कि सेलिका, अगर तुम्हें इतना ही तकलीफ हो रहा है कि तो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। मैंने चार को भी तभी चार्ज पीछे जाकर हमारा एमसी का मुंह बंद कर लेती है और बोलती है इच का। तब हमारा एमसी बोलता है सॉरी। और तभी सेलिका सामने आ जाती है हमारे एमसी के मुंह के सामने और बोलती है, क्या सर तुम सच में मुझे खाना खिलाने वाले हो? हमारा एमसी सेलिका को इतना खुश देख के कि ऐसा रिएक्शन। तब सेलिका बोलती है, आफ्टर ऑल इस खाने को ना खाना वेस्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी सर्व हो चुका है। फिर हमारा एमसी बोलते, अच्छा ठीक है, तो शाशिपी से स्टार्ट करते हैं। तो सेलिका बोलती, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा वाशाबी भी प्लीज़। तो हमारे एमसी जैसे सेलिका को खाना नहीं होती, तभी सेलिका की साइड में जो लड़की बैठी हुई रहती है वो बोलती, सेलिका ये अनफेयर है, तुम मोरिमोना खून के हाथों से खाना खा रहे हो। और एक लड़की बोलती है, सेलिका तुम चीटर हो। और एक लड़की बोलते, ये बिल्कुल अनफेयर है। फिर सीन जाता है हॉकी की तरफ, जहाँ पर हॉकी शर्माए हुए सोच रही होती है कि वो बिल्कुल भूल चुका है कि कल 7 जुलाई है। तभी ओनिमोना सेंसे आ जाती है और बोलते हैं, क्या तुम लोग शांति से बैठ कर खाना नहीं खा सकते? फिर ओनिमोना सेंसे हमारे एमसी की तरफ देख कर बोलती है कि तुम ज़्यादा शोर मत मचाओ, बहुत ही दिक्कत होती है ये सब रोकने के लिए। हमारा एमसी बोलते, ऑल राइट ठीक है। फिर ओनिमोना सेंसे चली जाती है। फिर हमारा एमसी सेलिका की तरफ देख कर बोलता है कि तो सॉरी सेलिका, तुम अपना खाना खुद खा लो, बाकी जितना बचा है। ये सुनकर सेलिका मुंह फुला लेती है और हमारा एमसी घबरा जाता है। फिर हमारा एमसी सेलिका को बोलता है कि तुम मेरे रूम में थोड़ा देर बाद आ जाना, ठीक है? ये सुनकर सेलिका शर्मा जाती है और सेलिका बोलती है, तुम्हारे रूम में थोड़ा देर बाद? इचिका सैन क्या ये? और तभी यार ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। फिर ओपनिंग सॉन्ग ख़त्म होता है और हमें वो तीनों लड़कियों को फिर से दिखाया जाती है, जहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है, मैंने इतना कुछ लेके आया क्योंकि मैंने सोचा था कि हम ओनिमोना कुन के साथ खेलेंगे, लेकिन वो ओनिमोना सेंसे की रूम में है। अब दूसरी तरफ से सेलिका की तरफ जाते हैं, जहाँ पर सेलिका सोच रही है कि बिल्कुल सोचा था, बिल्कुल जैसा कि मैंने सोचा था, अच्छा हुआ मैंने इसे अपने साथ लेके आया। अब वो तीनों लड़की सेलिका को देख रही होती है, उन तीनों लड़की में से एक लड़की सेलिका के बहुत पास आ जाती है और सेलिका को बोलती है, अरे सेलिका तुमने वो पहना है? और सेलिका शर्मा जाती है और फिर बाकी दो लड़की उठती है और बोलती है कि हमें भी देखना है, हमें भी देखना है। फिर वो तीनों लड़की मिलकर जैसे तैसे सेलिका को गिरा देती है और वो देख लेते हैं कि सेलिका क्या पहनी हुई रहती है। फिर एक लड़की बोलती है, वाह सेलिका क्या तुमने सच में ये पहना है? और एक लड़की बोलते है, तुम काफ़ी मैच्योर दिख रही हो। और एक लड़की बोलते है, सेलिका तुम बहुत बड़े परवर्ट हो। ये सुनकर सेलिका बोलते है, नहीं नहीं मैं कोई परवर्ट नहीं हूँ, ये बस सिंपली मेरा अपीयरेंस के लिए है। फिर सेलिका जैसे तैसे रूम के बाहर आ जाती है और बोलती है कि ये हॉरिबल था, लेकिन अब मैं फाइनली इचिका सैन को देखूंगा। फिर सेलिका देखती है कि ओनिमोना सेंसे और हमारे एमसी का रूम एक ही होती है और उस रूम के दरवाजे के बाहर लौरा, होकी, चास
और रिन बैठी हुई रहती है और कुछ सुन रही होती है रूम के अंदर से आवाज़ जो आ रही होती है। अब सिलिका आ जाती है और रिन को बोलती है क्या कुछ प्रॉब्लम है। तब रिन बोलती है चुप रहो और सुनो सिर्फ। अब अंदर से कुछ अजीब गरीब आवाज़ आने लगती है यार मैं नहीं बता सकता आप समझ जाइए। अब ये सब आवाज़ सुनकर सिलिका बोलती है अंदर क्या हो रहा है। और फिर सेलिका भी यार दरवाजे की थोड़ा पास आ जाती है सुनने के लिए और दरवाज़ा उतना वेट नहीं ले पाता दरवाज़ा टूट जाता है और ये सभी दरवाजे के अंदर से रूम के अंदर चला जाता है और देखता है कि हमारा एमसी ओनिमुना सेंसी को मैसेज दे रहा होता है। फिर ओनिमुना सेंसी इन सभी को लॉरा होकी रिन चार्ल्स सेलिका इन सभी को लाइन में बैठाती है और बोलती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तब चार्ल्स बोलती है कि ओह तो ये मैसेज था। तब लॉरा बोलती है कि ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। हमारे एमसी बोलते हैं वैसे तुम लोगों ने क्या सोचा कि अंदर क्या हो रहा है। तब लॉरा बोलती है ऑफकोर्स हम लोगों ने सोचा। और तभी सभी लड़कियां आकर लॉरा के मुंह बंद कर लेती है होकी सेलिका रिन और चार्ल्स। रिन बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ। तब होकी बोलती है हाँ कुछ नहीं पर्टिकुलरली कुछ नहीं। फिर ओनिमुरा सेंसे बोलती है वो मुझे पता है वो देखना है वैसा नहीं है लेकिन वो मसाज बहुत ही अच्छा करता है हमारे एमसी के बारे में बोल रही होती है। फिर ओनिमुरा सेंसे बोलना कंटिन्यू करती है बोलती है कि तुम लोग भी लाइन अप कर लो ना तुम सभी को भी एक एक करके मसाज दे देगा वो। हमारा एमसी बोलता है हाँ ओके तो सेलिका पहले। तब सेलिका बोलता है हाँ मैं पहले। फिर हमारा एमसी बोलता है हाँ मैंने इसलिए तो तुम्हें बुलाया था यहाँ चलो इधर लेट जाओ। फिर हमारा एमसी सेलिका को मसाज देना स्टार्ट कर देता है और सेलिका बोलता है दर्द हो रहा है। हमारा एमसी बोलता है अच्छा ठीक है मैं जेंटली करूँगा। फिर सेलिका बोलता है हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे नींद आने लगा। तभी सेलिका की पैर में कोई हाथ रखता है और वो और कोई नहीं ओनिमुरा सेंसे होती। अब वो पैर में हाथ नहीं रखती है अब कहाँ पर रखते हैं मैं बता नहीं सकता प्रॉब्लम हो जाएगा। और ओनिमुरा सेंसे सेलिका जो कपड़े पहनी हुई रहती है उसे उठा देती है अंदर देखती है कि सेलिका जो अंदर में जो कपड़े पहनी हुई रहती है। और ओनिमुरा सेंसे बोलते ओह तुमने ये पहना है ये सब कपड़े तुम्हारे एज की लड़कियों के लिए नहीं है वो तो सेंसे प्लीज़ मुझे छोड़िए। तब ओनिमुरा सेंसे बोलते हैं तुमको जो वैसे वैसे एक्सेप्ट कर लेना अपने टीचर के सामने। अब ये सुनकर सेलिका डर जाती है। फिर ओनिमुरा सेंसे बोलते कि नहीं मैं बस मजाक कर रहा था। तब ओनिमुरा सेंसे हमारे एमसी के बोलते जाओ मेरे लिए एक ड्रिंक लेके आओ। फिर हमारा एमसी बोलता अच्छा ठीक है। फिर हमारा एमसी चला जाता है। फिर ओनिमुरा सेंसे सभी लड़कियों के सामने आ जाती है और बोलती है कि तो बताओ क्या है। और सभी लड़कियाँ के मतलब मैं बोल रहा हूँ लॉरा चार्ल्स होकी सेलिका और रिन को। अब ये सुनकर होकी बोलते वेल। तब चार्ल्स बोलते ये पहली बार है कि मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ। तब ओनिमुरा सेंसे बोलते हैं कोई बात नहीं चलो अब मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और ओनिमुरा सेंसे अपना कैन खोल कर ड्रिंक करने लगती है। ओनिमुरा सेंसे सभी लड़कियों को बोलती है कि तो तुम्हें क्या पसंद है उसमें क्या अच्छा लगता है। ये सुनकर सभी शौक हो जाती है। फिर ओनिमुरा सेंसे बोलते हैं वैसे ये बात तो है वो काफ़ी यूजफुल है वो हाउस वर्क अच्छी तरीके से कर लेता है वो कुकिंग में भी डिसेंट है और मैसेज देने में बहुत ही बढ़िया है कोई भी लड़की उसके साथ डेट पे जाना चाहेगी तो क्या तुम्हें वो चाहिए। तब सभी लड़कियां एक साथ बोलती है कि क्या आप उसे हमें देने वाले। ओनिमुरा सेंसे बोलती है कि जैसा कि मैं देने वाला हूँ बेवकूफ। ये सुनकर सभी लड़कियां चुप हो जाती है। फिर ओनिमुरा सेंसे बोलते हैं अगर तुम्हें उसे पाना है तो उसे चुराना पड़ेगा तुम्हें अपने आप में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा बेवकूफ़ो। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी नींद से उठ के जाने वाला होता है बाहर और तभी होकी को देखता है कि होकी बैठ कर कुछ देख रहा होता है। फिर हमारा एमसी होकी के सामने जाता है और देखता है कि होकी के सामने एक कार्डबोर्ड टाइप का रखा हुआ है एक कार्ड टाइप का उड उसमें लिखा है प्लीज़ पुल मी आउट। ये देखकर हमारा एमसी होकी को बोलता है क्या ये वो है। तब होकी बोलते हैं मुझे मत पूछो और ये बोलकर होकी उठकर चली जाती है। तब हमारा एमसी बोलता है क्या ये ठीक है कि इसे यहाँ पर ही छोड़ देना चाहिए। फिर सेलिका आ जाती है वहाँ पर और सेलिका हमारे एमसी को पूछती है कि क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हमारा एमसी बोलता है रुको इधर थोड़ा। फिर हमारा एमसी जो रैबिट का ईयर टाइप का उधर को रहता है तो उसे खींच कर उठा देता है और तभी आसमान से एक बहुत बड़ा कैरोट गिरता है मतलब वो जो रहता है ना क्या गाजर हाँ गाजर गिरता है और तभी वो गाजर खुल जाता है गिरने के बाद और उसके अंदर से होकी की बड़ी बहन निकलती है और हमारे एमसी को देख कर बोलती है कि तुम मेरे ट्रिक पे फंस गए इकोन। हमारे एमसी होकी की बड़ी बहन को देख कर बोलते बहुत दिनों बाद मिले तमने सैन। तब होकी की बड़ी बहन बोलते हाँ बहुत दिनों बाद मिले हाँ सच में बहुत ही दिनों बाद मिले। तब भी तमने सैन हमारे एमसी के सामने आकर पूछती है कि कहाँ है होकी कहाँ है। ये सुनकर हमने एमसी बोलता है वेल। तभी तमने सैन बोलती है कि विद द इन्विटेशन ऑफ माइन होकी चैन को ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बाय इकून मैं तुम्हें बाद में फिर से मिलूंगा।
फिर तावन एसएन चली जाती है और सिलिका अकानम एमसी को पूछती है कि ये कौन था। तब हम एमसी बोलते हैं सिनोबी तावन एसएन होके की बड़ी बहन। फिर हमें एक झरने की टाइप की जगह पर दिखाया जाता है जहाँ उर्मुना सेंसे बोलती है तो सभी लोग यहाँ पर है जिनके पास अपना अपना पर्सनल आईएएस सूट है। तभी रीन बोलती है रुको रुको एक मिनट, होकी के पास तो अपना पर्सनल आईएएस सूट नहीं है। ये बात सुनकर होकी उदास हो जाती है। होकी बोलते हैं वेल, तभी उर्मुना सेंसे आ जाती है। उर्मुना सेंसे बोलते हैं चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि असली बात क्या है। और तभी पहाड़ के ऊपर से होकी की बड़ी बहन तावने आ जाती है और उर्मुना सेंसे को देख कर बोलती है जी जैन, और उर्मुना सेंसे के ऊपर जंप कर ले। उर्मुना सेंसे अपने हाथ से उसे गिरा देता है साइड में और उर्मुना सेंसे अपने हाथ से उसे मुंह ढक लेती है। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ ची चैन, मुझे एक हक दो। तभी उर्मुना सेंसे बोलती है शट अप तावने। तभी तावने बोलती है कि एज यूजुअल द मिरेकुलस आयरन क्लॉ। तभी होकी की बड़ी बहन उर्मुना सेंसे के हाथ से छूट कर अपनी छोटी बहन के पास ले जाती है होकी की तरफ। फिर हमें होकी को दिखाया जाता है जहाँ होकी एक पत्थर के पीछे छुपी रहती है और तावने होकी बोलती है हाय। तब होकी बोलती है हेलो। तब तावने बोलते हैं हाँ बहुत दिनों बाद मिले। तब तावने बोलते हैं हाँ मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हें कितने साल पहले मिला था, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो जब लास्ट टाइम हम दोनों मिले थे उससे, और स्पेशली तुम काफ़ी मैच्योर भी हो गए हो। तब भी होकी अपने जो केंडो तलवार रहता है ऊँट का उससे अपनी बड़ी बहन को मारती है। होकी बोलते मैं तो मानूंगा अगर ऐसे बोलोगे तो। तभी उसकी होकी की बड़ी बहन बोलती है तुमने मुझे बहुत जोर से मारा, तुम बहुत ही मीन हो। तब होकी की बड़ी बहन तावने होने एमसी की तरफ देखकर बोलता है कि हे इकुन, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत मीन है। तावने एमसी बोलता है हाँ हाँ शायद। फिर उर्मुना सेन से बोलते है तावने तुम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तो दो पहले। फिर तावने सेन बोलता अरे वो कितना मेहनत का काम है। फिर तावने सेन खड़ी होती है और सबकी तरफ देख कर बोलती है कि हाय मैं हूँ तावने सेन जीनियस, आई एम डन। फिर रिन ये सुनकर बोलती है वेट तावने। फिर चार्ल्स बोलते कि इन्वेटर ऑफ आईएएस वो जीनियस साइंटिस्ट। लॉरा बोलती है शिनोनन तावने। और तभी तावने सेन बोलती है कि आसमान की तरफ देखो, और तभी आसमान से कुछ गिरता है नीचे और फिर वो चीज़ गायब हो जाता है और उसके अंदर से आका तुशबा की बाहर आ जाता है होकी की पर्सनल आईएएस। तब तावने सेन बोलती है कि ये है होकी चैन की पर्सनल आईएएस आका तुशबा की। और इधर ही यार पार्ट वन ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है यार आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय सी या।